हेलो बडीज, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? फाइन। इन लास्ट लेक्चर द डिफरेंट कंपोनेंट रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज आई एक्सप्लेन यू। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सम। बिफोर आई स्टार्ट द सम, टू बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट आई वांट टू शेयर विथ यू, देन यू विल बी वेरी क्लियर्ड अबाउट द सम, हाउ टू डू इट। ओके, बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बच्चों दो पार्टी होती है। एक होता है सेलर, जो सामान बेचता है, बराबर, और दूसरा होता है बायर, जो सामान खरीदता है। तो सेलर क्या करता है, सेलर एक बिल ड्रॉ करता है, एंड दैट्स व्हाई सेलर इज कॉल्ड द ड्रॉअर। बराबर है, वो बिल ड्रॉ करता है, और बिल ड्रॉ करने के बाद में वो बिल किसको भेजता है, बायर को भेजता है। तो बायर जो है उस बिल को एक्सेप्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सेप्टर और ड्रॉइंग। बराबर, एक्सेप्ट करने के बाद में उस बिल पे वो साइन करता है, और साइन करने के बाद में वो बायर को, सॉरी सेलर को, वापस से वो भेज देता है, और सेलर उसको अपने पास में कब तक रखता है, मैच्योरिटी डेट तक रखता है। मैच्योरिटी डेट के दिन या उससे पहले अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी बच्चों। तो वो उस बिल को बैंक में रिप्रेजेंट करता है, बराबर है, और बैंक में रिप्रेजेंट करने के बाद में सेलर को जो है वो पैसे जो है मिल जाते हैं, बराबर है, जिसकी गारंटी बायर ने दी होती है। बराबर है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमको दिमाग में रखने हैं। ड्रॉअर ड्रू द बिल, सेंड टू द बायर मींस द ड्रॉइंग, और एक्सेप्टर ड्रॉइंग साइन इन दैट बिल एंड रिटर्न टू द ड्रॉअर। ओके, एंड आफ्टर दैट इन मैच्योरिटी डेट दैट बिल इज क्लियर मींस मैच्योर एंड मनी इज रिसीव्ड बाय द सेलर। ओके, दैट इज द एंटायर प्रोसीजर। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम टू थिंग्स आर देयर। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मैच्योरिटी डेट, दैट इज द ग्रेस डे। पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। मान लो, एक एग्जांपल देता हूं कि किसी ने एक बिल को 1 जनवरी 2021 को जो है ड्रॉ किया, और इस बिल का टाइम पीरियड 30 डेज है। बराबर है, और दूसरा भी दे रहा हूं, इस बिल का टाइम पीरियड 3 मंथ है। अगर 30 डेज इस बिल का टाइम पीरियड है, तो ये बिल का एंड डे कौन सा आएगा? ओके, ठीक है, यानी 30 तारीख को इस बिल का एंड है। लेकिन बिजनेस में बच्चों लोग बहुत कर्टसी रखते हैं, उदार दिल वाले होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, तो वो जो है बायर को मौका देते हैं कि भाई हम आपको 3 दिन का और ग्रेस पीरियड देंगे, यानी जो पैसा आपने आपको 30 को चुकाना है, 3 दिन के बाद चुकाओ, यानी 31, 1 एंड 2। यानी कि यहां पर आप जो है अगर 2 डेज और ऐड कर दें, तो कौन सा दिन हो जाएगा, 2 फरवरी 2021, क्योंकि 3 दिन अगर आप इसमें ऐड कर रहे हो तो 30, 31, 1 एंड 2। ओके, तो 2 तारीख उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी। लेकिन मान लो अगर 3 महीने का है, तो देखो, 3 महीने का है तो कैसा होगा इसको काउंटिंग, 3 महीना ये है, क्या आ गया,
4 2021 को ये बिल मैच्योर होगा। देखो 1 जनवरी से 31 जनवरी, 1 फरवरी से, सुना बराबर से, 1 फरवरी से 28 फरवरी, 1 मार्च से 31 मार्च, 3 महीने हो गए। तो 3 महीने के बाद मैंने 3 महीने में ऐड किया तो 4th महीना ही आ गया। 3 डेज और ग्रेसिंग के मिल रहे हैं, यानी 3 डेज अगर आप इसमें ऐड करते हो, 4 4 2021, 4 4 2021 में ये बिल मैच्योर हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? 3 दिन के ग्रेस पीरियड भी है। लेकिन अब मैं यहां पे देखो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज कर रहा हूं भाई, मैं मैंने यहां पे आपको ऐसा लिख दिया 90 डेज। अब 90 डेज का मतलब क्या हुआ? देखो जरा, जनवरी के 31 डे का भी जिस दिन से हुआ है उसी दिन से काउंट करेंगे इसको, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, बराबर है, मार्च में जो है 28 दिन होते हैं, तो आप इसको काउंट करने बैठो जरा, 8 9 10 0 कैरी ऑन 1, बराबर है, कितना हो गया 3 3 6 10 2 8 1 9, बराबर है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे जनवरी पूरा, फरवरी 28 एंड मार्च 31, टोटल मिलकर कितने हो गए 90 हो गए। तो इसकी मैच्योरिटी डेट अब कब आएगी भैया? 1 अप्रैल को आएगी, बराबर, और उसमें 3 दिन और ग्रेस करेंगे तो 4 अप्रैल को इसका मैच्योरिटी डेट होगा। वन थिंग, अब नेक्स्ट वन, हाउ टू पास द एंट्री, बराबर, उसके लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो सी हियर, ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, when we pass the entries, so at that time certain things we have to keep in our mind, what is that exactly, let's talk about that, okay, see earlier I told you there are 2 party, one is the seller, one is the buyer, okay, their both interest are different, their that is the reason their accounting pattern is also different, dono ki accounting pattern bhi ek dusre se alag hogi, jis samay mein seller एक एंट्री मार रहा होगा उससे एग्जैक्ट एंट्री बायर की होगी, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में क्या फर्क है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, ओके, सो हियर मैंने कुछ एंट्रीज यहां पर मेंशन की है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। हम ये मान लेते हैं यहां पर कि ये ड्रॉअर की बुक है और वो ऐसे एंट्री मारेगा, ये एक्सेप्टर और ड्रॉइंग की बुक है, मैंने यहां पर एक नाम भी रख लिया है कि ड्रॉअर जो है वो नुपुर है और ड्रॉइंग जो है शीतल। अब व्हेन गुड्स हैज सोल्ड, जब गुड्स बेचा जाएगा तो डेफिनेटली जब नूपुर गुड्स बेचेगी या बेचेगा व्हाटएवर है अपने को क्या लेना देना, तो नूपुर गुड्स बेचेगी तो जो शीतल है बराबर है वो उसको खरीदेगा, यानी ये परचेजर हुआ ये सेलर हुआ, तो ये अपनी बुक में क्या एंट्री मारेगा, शीतल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, इसके लिए शीतल रिसीवर हुआ, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसे क्रेडिट करो, यस, इसकी एंटी एंट्री ये क्या मारेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड हु इज द गिवर ऑफ दैट गुड्स, नूपुर इज गिवर, इसलिए इसने क्या किया, नूपुर को यहां पर क्रेडिट किया, ठीक है, तो ये अपनी बुक में एंट्री मारेगा शीतल टू सेल्स, और ये अपने बुक में एंट्री मारेंगे परचेज टू नूपुर, क्यों मारेंगे, मैंने आपको लॉजिकली रूल्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से एक्सप्लेन किया। सेकंड,
when bill has received after acceptance by Sheetal. Sheetal इस बिल को एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉप ऑन करेगा इस बिल को, डेफिनेटली सेलर करेगा, सेलर बिल बनाएगा, बिल बनाने के बाद में वो जो है शीतल यानी ड्रॉइंग एक्सेप्टर को देगा, एक्सेप्टर उसमें साइन करेगा यानी वो एग्री है कि मैं इस टर्म्स कंडीशन में पैसा पे करने के लिए राजी हूं, ओके वो बिल इसको साइन करके इसको देगा। अब इसने बिल साइन किया और वो साइन किया हुआ बिल इसने रिसीव किया, अब यहां पे बिल रियल अकाउंट बन रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। हु इज द गिवर ऑफ दिस बिल? शीतल, क्रेडिट द गिवर, शीतल ट्रेडर अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके क्रेडिट द गिवर, एंड एट द सेम टाइम ये इसने जो बिल एक्सेप्ट किया बराबर, इसके लिए बिल का रिसीवर रिसीवेबल कौन है? नूपुर है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोस फॉरवर्ड, जो गया उसे क्रेडिट करो, इज इट क्लियर? इसलिए यहां पे बिल्स पेबल क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, और नूपुर जो है वो क्या हुई? डेबिट। ठीक है, सब लेन देन क्लियर। अब आती है बारी किस दिन की? मैच्योरिटी डेट की, यानी जिस दिन उस बिल का टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, यानी इसने यानी शीतल ने प्रॉमिस किया है कि इस दिन तुम्हें पैसा मैं दे दूंगी या दे दूंगा, इज इट क्लियर? तो उस दिन इसके अकाउंट में पैसे आएंगे इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इधर इन बैंक, तो अगेन डेबिट व्हाट कम्स इन और डेबिट द रिसीवर, ओके। और यहां पर अब ये बिल क्या हुआ? ये बिल यहां पे हुआ ऑल प्रॉफिट एंड गेन टू बी क्रेडिटेड, यानी बिल फ्लक्चुएट है पर्टिकुलर कंडीशन में, ये रियल अकाउंट भी बनता है पर्टिकुलर कंडीशन में, ये नॉमिनल अकाउंट भी बनता है, क्योंकि यहां पर ये बिल क्लियर हो गया है, तो यहां पे ये ऑल प्रॉफिट एंड गेन टू बी क्रेडिटेड उस रोल पे ये आ गया, इज इट क्लियर? क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाला तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे बता था रियल अकाउंट है, तो अलग अलग टाइम में इसकी सिचुएशन बदलती है। एट द सेम टाइम अब ये क्या एंट्री मारेगा? ये मारेगी, ये एंट्री मारेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस टू बी डेबिटेड, देन क्रेडिट वर्ड गोज आउट और क्रेडिट द गिवर, तो ये इस तरह से इसमें एंट्री आएगी। ये बेसिकली तीन एंट्री है, कब? जब गुड्स सोल्ड होता है क्रेडिट में, बिल बनता है, और मैच्योरिटी डेट में बिल क्लियर हो जाता है। अब मान लो कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं चिल्ड्रन कि जब जो है जो सेलर है उसको पैसों की सख्त जरूरत है, ठीक है, उसको पैसों की जबरदस्त जरूरत है और वो मैच्योरिटी डेट तक राह नहीं देख सकता है, ही इज नॉट एबल टू वेट टिल मैच्योरिटी डेट। अब वो मैच्योरिटी डेट तक अगर राह नहीं देखेगा तो क्या होगा, हम इसके बारे में सोच सकते हैं? अगर मैच्योरिटी डेट तक राह नहीं देख रहा है तो उसको पैसे का बंदोबस्त कैसे कर रहा है, तो वो क्या करेगा? इस बिल को बैंक के पास में एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो गिरवी रख देता है, उसको डिस्काउंट करवा लेता है, कैश करवा लेता है, और थोड़ा बहुत नुकसान झेल देता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको 10,000 रुपए की जरूरत थी और 20 रुपए अगर खर्च करके आपको जो है बाकी के रुपए मिल रहे हैं तो आपको 20 रुपए खर्च करना कोई भारी पड़ेगा नहीं, और उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो ड्रॉअर है यानी कि नूपुर, ये इस बिल को जो है अगर उसको जरूरत पड़ी मैच्योरिटी डेट से पहले अगर बिल डिस्काउंट करवाया तो ये एंट्री है कि व्हेन बिल हैज डिस्काउंटेड बिफोर मैच्योरिटी डेट, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आपको उतना लॉस जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, ऑल एक्सपेंस लॉसेस टू बी डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, प्रॉफिट एंड गेन टू बी क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन मैच्योरिटी डेट से पहले इससे तो पैसा मिलने वाला है नहीं, तो यहां पर इसके बुक में कोई एंट्री आएगी नहीं,
एंड एट द सेम टाइम मैच्योरिटी डेट के दिन इसने तो ऑलरेडी पैसा उठा लिया भैया, तो मैच्योरिटी डेट में इसको तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी, लेकिन सामने की पार्टी में यहाँ पर सेम एंट्री आएगी कंज्यूमेबल टू कैश एंड बैंक, क्योंकि ये पैसा इसने बैंक को तो चुकाना ही चुकाना है, क्योंकि इसने किससे वसूल किया, बैंक से रख लिया, बैंक को गिरवी दे दिया, भैया ये कागज पकड़ो मेरे, मुझे अभी पैसे की जरूरत है। बैंक बोलेगा भैया पैसा तो दूंगा, लेकिन भैया मेरे को क्या, तो उसको कमीशन फॉर्म में डिस्काउंट मिलता है बैंक को, और बैंक अपना धंधा ऐसे चलाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, दो और एंट्रीज हैं वो देखते हैं फिर अगले इसमें से। आप लोग 26 जनवरी सेलिब्रेट कर लो, उसके बाद में फिर जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तो आप लोगों को हाउ टू डू द सम्स, सम्स कैसे करना उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें दो और एंट्री है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, उसको एक बार समझ लो, फिर हम लोग आगे जो है अगले टाइम में जो है बात करेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए जरा इसको। चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी दैट बिल इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, मीन्स you can give this bill or you can hand over this bill to another one to whom you have to clear your liability. Okay, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, suppose ये इसी में देख लेते हैं, देखो यहाँ पे नूपुर है, नूपुर ने शीतल से पैसे लेने हैं, लेकिन at the same time यहाँ पे पंडिया को pay करने हैं, तो इसने क्या किया, इससे बिल लिया, बिल लेके पंडिया को दे दिया, इट इज जस्ट लाइक दैट कि भाई मैंने जो है आपको 10 रुपए दिए और आपने किसी और को चुकाने थे, आपने मुझे चुका दिए। तो जिस तरह से मनी जो है ट्रांसफरेबल है, तो इस तरह से बिल ऑल्सो एक्ट लाइक अ मनी, वो भी ट्रांसफरेबल है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बराबर है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसको आप किसी और पार्टी को दे सकते हो और वो पार्टी अपने फेवर में कैश करा सकता है। इज इट क्लियर? तो जिसको हम लोग बिल देते हैं, तो हम देने वाले वी कॉल द इंडोसर, इंडोर्स करने वाले, और जो लेता है इज कॉल्ड द इंडोर्सी, इंडोसी। तो यहां पर जो नूपुर है वो इंडोसर हुआ और पंडिया जो है वो इंडोसी हुआ, इंडोर्सी हुआ। इज इट क्लियर? तो यहां पे कंडीशन दे रहे हैं, बिल हैज इंडोर्स इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, यानी आपने जो कलेक्ट किया हुआ बिल है आपके ड्यूज चुकाने के लिए किसी और को पे कर दिया, तो इन दैट कंडीशन यहां पे हम लोग मान के चल रहे, सपोज दैट पार्टी इज पंडिया, सो पंडिया ब्रदर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यहां पे बिल देखो वापस से रियल अकाउंट बना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल गया जो हमारे पास में से निकल गया, यहां पर कोई एंट्री आएगी नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी डेट से इसको लेना देना है और मैच्योरिटी डेट से पहले इसने बिल तो उसको दे दिया है, तो पार्टी के अकाउंट में सारा ट्रांसफर होगा जो भी होगा, ये तो लिखेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसने ये काम पूरा कर दिया है, तो यहाँ पे भी कोई एंट्री फाइनेंस में आएगी नहीं, लेकिन यहाँ पर इसके में आएगी एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? समझ में आया इतना आप लोगों को? अब इतना अंडरस्टैंड करने के बाद में, यहां तक समझने के बाद में, कभी कभी ऐसा होता है कि मैच्योरिटी डेट से पहले, बिफोर मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट से पहले बिल को मैच्योरिटी डेट के 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले बैंक के पास में कलेक्शन के लिए भेजते हैं, बराबर है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम बैंक कमीशन लेता है, मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आप जो है उसको कलेक्ट करवाने भेज रहे हो तो बैंक आपसे कमीशन लेगा। एंड उस कंडीशन में किस तरह से एंट्रीज आएंगी, देखो यहां पे, व्हेन द बिल हैज सेंड टू बैंक कलेक्शन, तो यहां पे आएगा बैंक फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, ये बैंक ने कलेक्ट किया, डेबिट द रिसीवर, यहां पे कोई एंट्री नहीं आएगी, लेकिन मैच्योरिटी डेट के दिन ये एंट्री मारेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट, में रिसीवेबल नहीं लिखेगा, क्यों, क्योंकि बिल तो ऑलरेडी जा चुका है भाई, बिल है नहीं, इट हैज गोन ऑलरेडी, तो यहां पर जो ये जो यहां पे था डेबिट, ओके, इट विल बी क्रेडिटेड हियर, यहां पर जो है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैच्योरिटी डेट के अंदर तो इसने पे करना ही
है, इज इट क्लियर? सो हियर मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट की एंट्री क्लियर करके दी, शुरुआत के जो पांच सात सम्स हैं, इट इज प्योरली ऑल दैट आर प्योरली बेस्ड ऑन दिस, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन दिस. आफ्टर दैट टू टू थ्री थिंग्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. वन इज व्हेन बिल हैज डिसऑनर्ड, यानी बैंक में जैसे चेक बाउंस हो जाता है, अगर बिल बाउंस हो जाता है तो क्या? लेकिन वो तो यार बात की बात है भैया, पहले इतना तो अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है? और मे बी पॉसिबल शायद तो तुम्हारे स्कूल भी खुल जाएंगे, ठीक है? करो प्रार्थना भगवान से, कितना जो है कहते वीडियो में बैठ के पढ़ोगे. ओके, तो मिलते हैं फिर. हैप्पी इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे, सॉरी नॉट इंडिपेंडेंस, रिपब्लिक डे, बराबर है, गणतंत्र दिवस, गणों का तंत्र, हम आजाद हुए, बराबर है. तो उसकी आप सबको जो है मुबारकबाद, और एक मैच्योर नागरिक के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश कीजिए. दैट इज द डिमांड ऑफ प्रेजेंट ईरा. सो हियर आई एम कंप्लीटिंग दिस, और वापस से जो है मिलेंगे आफ्टर द रिपब्लिक डे. बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर.